मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू. हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हिंदी विषय पार्ट 7, शिवाजी की महानता. हमारे पार्ट का नाम क्या है? शिवाजी की महानता. छत्रपति शिवाजी एक महान वीर थे. उन्होंने दक्षिण भारत में मराठा राज्य की स्थापना की. वे चरित्रवान और सभी धर्मों का सम्मान करने वाले व्यक्ति थे. जो शिवाजी थे वो सभी धर्मों का सम्मान करने वाले व्यक्ति थे. वो सभी का सम्मान करते थे. ऐसा नहीं कि जो उनका धर्म है वो उनका बस उसी का अपना सम्मान करते हो, नहीं, बल्कि वो सभी, जैसे कोई भी धर्म हो, सभी का वो आदर सम्मान करने वाले व्यक्ति थे. कौन? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी. इस एकांकी में उनके स्त्री के प्रति सम्मान की भावना को दर्शाया गया है. ओके, देखिए पात्र परिचय, जो भी से जो जो पात्र हैं उनके बारे में बताया गया है आपको, हम जान लेते हैं पाठ को पढ़ने से पहले. छत्रपति शिवाजी दक्षिण भारत में मराठा राज्य की नींव डालने वाले मराठा वीर. आवाजी सोन देव शिवाजी के सेनापति. मुल्ला अहमद विजापुर के नवाब का एक और सूबेदार और कल्याण के किले का किलेदार. गोहर बानू मुल्ला अहमद की पुत्रवधू. मोरोपंत शिवाजी के पेशवा. स्थान पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित कल्याण का किला. ओके, हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों अब पहला दृश्य. आवाजी सोनदेव ने कल्याण के किले पर अचानक हमला किया और उसे जीत लिया. मतलब जो क्या कहते हैं, आवाजी सोनदेव जो थे उन्होंने कल्याण नामक जो व्यक्ति था उसके किले पर अचानक बिना किसी प्लान के, बिना किसी मतलब योजना के, उसने अचानक आया और उसका उस पर हमला किया और उसे जीत लिया. छत्रपति शिवाजी की जय, माता जीजाबाई की जय, भवानी की जय बोलते हुए मराठे सैनिक कल्याण की गलियों में घूम रहे हैं. एक घुड़सवार घोड़ा दौड़ाता हुआ आता है और घोड़े से उतरकर सेनापति के पास अभिवादन करके खड़ा हो जाता है. देखिए बच्चों, अभिवादन का क्या है दिया गया, इसमें देख लेंगे हम. नमस्कार करना, अभिवादन क्या होता है? नमस्कार करना. ओके, फिर है सोनदेव. सोनदेव कौन है? शिवाजी के सेनापति. क्या समाचार है सैनिक? कल्याण का सूबेदार मुल्ला अहमद पकड़ लिया गया है कि नहीं? सैनिक बोलता है, सैनिक इस बात पर जवाब देता है, नहीं श्रीमान, वह अपने स्त्री बच्चों के साथ किले के बाहर निकल गया है. उसके साथ थोड़े से सिपाही और घुड़सवार हैं. सोंदे, वह किधर गया? सैनिक, बीजापुर की ओर श्रीमान. सोंदे, क्या उसके पुत्रवधु गोहर बानु भी उसके साथ चली गई? सैनिक, ऐसा ही जान पड़ता है श्रीमान, मतलब ऐसा ही पता लगा है, ऐसा ही मालूम हुआ है कि हाँ, वो अपने पुत्र वधु गोहर बानु जो है उसके साथ ही, उसको भी अपने साथ ले गए, क्योंकि सूबेदार का पूरा खानदान उसके साथ है. सोनदेव, तो तुम फौरन ही 100 घुड़सवारों के साथ मुल्ला अहमद का पीछा करो. वह चाहे हाथ आए या ना आए, गोहर बानु को पकड़ लाओ. सैनिक, जो आज्ञा, लेकिन छत्रपति की आज्ञा है कि किसी भी स्त्री को कैद ना किया जाए. छत्रपति कौन? शिवाजी. शिवाजी का ऐसा मानना था क्योंकि वो स्त्री को बहुत ज्यादा सम्मान करते थे, उसे ऐसा वो ऐसा कहते थे, चाहे कोई भी युद्ध, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें स्त्रियों, लेडीजों का, महिलाओं का हमें कैद नहीं करना उनका, हमें चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान. ऐसा नहीं कि हम हिंदू है तो हम मुसलमान की स्त्रियों को हम कैद कर ले, ऐसा नहीं. वो हर एक धर्मों को क्या करते थे, हर एक धर्मों का सम्मान करते थे, आदर करते थे और स्त्रियों का सबसे बढ़ चढ़कर सम्मान करते थे. तो वो ये बोलते थे कि हमें किसी भी स्त्री को कैद नहीं करना चाहिए, चाहे वो स्त्री जाति, चाहे वो हिंदू जाति से हो, चाहे वो मुसलमान जाति से हो. जो फिर सोनदेव कहते हैं, जानता हूँ, लेकिन तुम सैनिक हो, तुम्हारा काम आज्ञा का पालन करना है, बहस मत करो, जाओ और गौर उनको बंदी बनाकर लाओ. सैनिक आवाजी सोनदेव को सिर झुकाकर घोड़ा दौड़ाता हुआ चला जाता है. मतलब फर्स्ट पार्ट में ये हुआ है. ओके,